हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम आईफोन 7, 6s और 7 प्लस यूज़र्स के लिए एक नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी देर से जो आईफोन जो पुराने मॉडल्स थे आईफोन के, आईफोन 6s, 7, 7 प्लस, उनको अपडेट नहीं आ रहा था। अब फाइनली एप्पल ने रिलीज़ कर दिया इस लेटेस्ट अपडेट को, और ये अपडेट में हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं इन तीनों डिवाइसेस के ऊपर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फाइनली मैंने इंस्टॉल कर लिया इस अपडेट को। सो अपडेट का साइज़ मेरे को 114 मेगाबाइट्स आईफोन 7 पे रिसीव हुआ है। अगर आप आईफोन 6s को यूज़ कर रहे हो तो आईफोन 6s में भी आपको तकरीबन इसी सेम का साइज़ देखने को मिलने वाला है। 7 प्लस में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है साइज़। तो मैंने इसे अपडेट करा है 15.8.2 के पुराने अपडेट से। तो चलिए चेकआउट करते हैं क्या कुछ नए चेंजेस आए हैं अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19H386 आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल रहा है इस नए अपडेट में। तो पहले 84 आपको देखने को मिलता था। लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो चेंज हुए हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। आईफोन की स्टोरेज देख सकते हो 28.1 GB यूज़ रखी है 32 GB में से अपडेट से पहले। अपडेट के बाद की स्टोरेज आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। अपडेट के बाद 25.8 GB यहां पर देखने को मिल रही है। तकरीबन आपको 2.5 GB के आसपास की जो फ्री स्पेस है अवेलेबल होने वाली है आईफोन 7 के ऊपर। सिस्टम डेटा की अगर बात करें तो सिस्टम डेटा जो है वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं हो पाता है। काफ़ी ज़्यादा ये टाइम लगा देता है सिस्टम डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। पता नहीं क्यों ये इस अपडेट में बग है या इस फ़ोन में बग्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक इसने कैलकुलेट नहीं करा है सिस्टम डेटा। तो सिस्टम डेटा में कुछ बग्स चल रहे हैं आईफोन 7 के ऊपर इस लेटेस्ट अपडेट में भी। और यहाँ पर बात करें आईफोन के यहाँ पर नेटवर्क्स की, तो नेटवर्क्स काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं आईफोन 6s और आईफोन 7 के ऊपर। तो यहाँ पर वाईफाई में भी मेरे को कोई भी पोर कनेक्शन इशू देखने को नहीं मिल रहा है। कल ही ये अपडेट एप्पल ने रिलीज़ करा था और मैंने कल ही इसे इंस्टॉल कर लिया था अपने डिवाइस पे। और बात करें इस अपडेट में एप्पल ने क्या कुछ नया ऐड करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्पल ने स्पेशली मेंशन करा है दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस एंड इस रिकमेंड फॉर ऑल द आईफोन यूज़र्स। सो ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है क्योंकि ये जो तीनों पुराने डिवाइसेज हैं आज के टाइम पे भी बढ़िया परफॉर्म करते रहें और इनमें कोई भी आपको लैगिंग क्रैशिंग इश्यूज देखने को ना मिले, तभी एप्पल ये छोटे छोटे सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो रोल आउट करता रहता है अपने तीनों डिवाइसेज को। तो इसीलिए अगर आप सभी भी आईफोन 7, 6s और 7 प्लस को यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर रखें कि ज़रूर अपडेट करें 15.8.3 के नए स्टेबल अपडेट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।